अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? हेलो ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें फिर मैं थोड़ा से धमाके करता हूँ। पता नहीं लाइट का क्या चक्कर है यार, आवाज बहुत स्लो है। अब सही है फराज? यार ऑर्डर किया हुआ है कुछ चीज़ों को, वो आ नहीं रही। जब वो आ जाएंगी तो सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। आज खुद ही चला जाऊंगा लेने। अच्छा जी, मुझे तो आप लोग जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, और अगर नहीं भी जानते तो कुछ अरसे बाद जान जाएंगे। सुना तो बहुत होगा, और अगर नहीं सुना तो कुछ अरसे बाद आप दूसरों को सुना रहे होंगे कि मैं कौन हूं। तो देखा भी है, बिल्कुल देखा भी है, सुना भी है। कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, तो जिन्होंने सुना है वो अब दूसरे लोगों को सुनाएंगे। मुझे कौन नहीं जानता? नहीं, मुझे कोई, बहुत सारे लोग नहीं जानते। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता तो चल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ आप लोगों को। अच्छा जी, ये कोर्स जो है ना, थोड़ा सा इसे कह लें कि भाई ये कोर्स थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें आपकी स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। जब मैं स्किल्स की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा होता हूँ स्टूडेंट की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच को। मैं यहाँ जितना अच्छा भी पढ़ा लूँ, आप यहाँ जितना अच्छा भी पढ़ लें, लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि अच्छा, देखें जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटी से बात करता हूँ। मैं कभी भी लोगों को फेक प्रॉमिसेस में नहीं रखता कि नहीं हो जाएगा। इसमें ना आपका इनपुट बहुत ज्यादा मैटर करता है इस कोर्स में, बहुत ज्यादा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें कोर्स तो आपने पढ़ना है, आप आज ड्रॉप करवा दें अगले सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन चूंकि आपके दोस्त बहुत सारे पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने दूसरे लोगों से जाहिर सी बात है पूछा भी होगा, आपने सिर्फ मेरे बारे में नहीं पूछा होगा, कोर्स के मुताबिक भी पूछा होगा, तो उन लोगों ने जो फीडबैक दिया या जो चीजें, तो देखें ये इस तरह का कोर्स है कि इसमें आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अब जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो दो तरीके से होती हैं। एक तो ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आपने समझ के उस पर कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिथम लगा दिया। अब स्टैंडर्ड एल्गोरिथम लगाने में ना मेरा कोई कमाल है ना आपका कोई कमाल है, सिर्फ प्रॉब्लम को समझना था। जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ कोई, तो बस प्रॉब्लम में से डेटा को पिक करना है। डेटा अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले अप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से मैं कोई अल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ तो अल्गोरिथम को स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें उसमें इनपुट हैं, अल्गोरिथम आगे कैसे चलेगा, ये सारी चीजें बिल्ट इन है। आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट करवाना है। यहाँ पता है क्या है, यहाँ हर प्रॉब्लम में एक नई लॉजिक है। इट्स जस्ट लाइक कि भाई आप जब प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ते हैं, पहला प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या जो भी जिस नाम से भी आपके पास ऑफर होता है वो,
तो उसमें आप प्रॉब्लम को समझते हैं, आपको पता है इसमें लूप यूज होगा, इसमें इसमें स्विच यूज होगा, या इसमें वॉट एवर जो भी चीज यूज होगी, उसकी लॉजिक आप खुद डिजाइन करते हैं। तो यहां पर भी यही चीज है कि यार आपने प्रॉब्लम को समझना है, चीजें वही यूज हो रही हैं लेकिन उसकी लॉजिक खुद डिजाइन करनी है। तो हर एक सवाल में नई चीज आ रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट समझाया, एक तरह के सवाल समझाए, उसके चार पांच सवाल मैं करवाऊंगा आपको, फिर हम नए क्वेश्चन पे जब आएंगे तो उसमें वो पुरानी चीजें यूज हो रही होंगी और एक नई चीज ऐड हो रही होगी। तो लोग जो है ना, यहाँ पर होता क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये होता है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग कोर्स को वैसे नहीं समझते जैसे समझना चाहिए। मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जाम स्टूडेंट क्या कर रहे हो, जो क्लास में सवाल करवाए होते हैं वही देख रहे होते हैं। आप उनको ना देखें, आप उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उनको समझने की कोशिश करें। देखिए, मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, मैं कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखाता, मैं हमेशा ये सिखाता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा कहने का मकसद यह है कि मैं आपको ये नहीं सिखाता कि यार ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपने ये स्टेप करने और आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये सिखाता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं। तो आपका फोकस जो होना चाहिए ना, वो मेरी बाद वाली चीज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस प्रॉब्लम की बात तो करें, लेकिन आप साथ में ये भी देखें कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उनको कैसे सॉल्व करूंगा। मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, सही है, और मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ एक ऐसे एरिया में जहाँ पर गाड़ियां होती ही नहीं है सामने। फर्ज करिए मैं डिफेंस की गलियों में ले गया आपको और मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, तो अब आपका फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि डिफेंस की गलियों में गाड़ी कैसे चलती है, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि गाड़ी चलती कैसे है, कि अगर कोई सामने आ जाए तो क्या करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, ट्रैफिक सिग्नल। तो ये तमाम, अब वो किसी भी रोड पे आप आ जाए, अब आप जब किसी भी रोड पे आ जाएंगे तो आपका फोकस अब डिफेंस में नहीं था कि यार उन गलियों में तो सन्नाटा होता है या नहीं होता, जो भी व्हाटएवर मैंने एग्जांपल लिखी है दी कि लोग ज्यादातर गाड़ियां चलाने वहीं जाते थे सीखने या ग्राउंड्स में जाते थे। तो आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे नहीं, आपके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है उस पे होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आपको क्लास में करवाई जाएगी, और होना भी नहीं चाहिए, वरना फिर आपने सीखा क्या? आप तो यहाँ सीखने बैठे हैं ना, आप एग्जाम क्लियर करने थोड़ी बैठे हैं। एग्जाम तो क्लियर हो ही जाता है, सबका ही हो जाता है, हम यहाँ एग्जाम क्लियर करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो चीजें सीखने के लिए बैठे हैं। अगर किसी की सोच ये है कि बस ये कोर्स निकालना है तो वो भी हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है, वो सबका हो जाता है, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो हो जाता है। लेकिन आप यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए कि यार आप बोलें कि सर मुझे तो कोर्स निकालना नहीं, आपने सीख के निकालना है, और हम बैठे हुए आपके लिए, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, दोनों तरीकों से पढ़ा सकते हैं हम आपको, दोनों तरीकों से पढ़ा सकते हैं हम आपको। एक तरीका ये है कि हम आपको ये सिखा दें कि भाई एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं, और एक तरीका ये है कि हम आपको ये सिखा दें कि कोर्स क्या है। तो दोनों तरीके हैं, अब आप मुझे बता दें, जाहिर सी बात है आपके बताने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दूसरे वाले तरीके पे फोकस करता हूँ कि मैं स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि इस कोर्स में है क्या, मैं एग्जाम पे फोकस नहीं करता। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाएगा, होना भी नहीं चाहिए यार, इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ये है। अब ये कोर्स जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह का कोर्स है कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है घर में और कैमरा है, उसके पास ही होता है, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और वह आपको समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये स्लाइड तो मैंने ऐसे ही खोली है ताकि मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, अदरवाइज मेरा पूरा लेक्चर जो होता है वो व्हाइट बोर्ड पर चल रहा होता है। जिन्होंने मुझसे AI पढ़ा है, इस क्लास के लोग हैं, उनको अंदाजा होगा मेरा। मैं किस तरीके से वहां पर भी ऑनलाइन में काम करता था, तो ये चीज है। हाँ बेटा, मैं असल में मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ, मेरी लाइट नहीं है तो कोई मुझे कॉल करता है तो बीच में वॉइस चली जाती है। अब तो नहीं कट रही, अब तो नहीं कट रही ना, तो बीच में हो गई थी प्रॉब्लम, वो कोई मुझे कॉल कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई स्टूडेंट ही है, तो
तो वो पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है, और अगर वो कॉल करता है तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इतनी सी बात है। अच्छा वकास, मैंने अब देखें आप बेहतर हो गई होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, चीज़ें समझते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह इस कोर्स में जो हमें पढ़ना है उस पर बात कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये कोर्स जो है ऑटोमेटा थ्योरी का है, और ऑटोमेटा थ्योरी में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, या इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो कोई माइक तो मैं ऑन नहीं कर रहा, यहीं चैट पे लिख के बता दें कि भाई आपके ख्याल में क्या चीज़ है इस कोर्स के अंदर कि वो जो कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। शाबाश। चीज़ों को ऑटोमेट करना, मोहम्मद अदील ने आंसर किया है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, चीज़ों को ऑटोमेट करना। और कोई, आप लोगों ने अपने दोस्तों से जाहिर सी बात है बात की होगी, और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा क्योंकि ये तो लास्ट सेमेस्टर का कोर्स है। तो कोई और जवाब? कोई और जवाब जो थोड़ा सा डिटेल में हो कि भाई हम ये चीजें करेंगे। हाउ मशीन कंप्यूट्स प्रॉब्लम, कंप्यूट फंक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा ये बताएं कि क्या इसका कोई लिंग्विस्टिक से ताल्लुक है? लिंग्विस्टिक पता है ना, लैंग्वेज की जो फील्ड होती है। देखिए उसामा या अब्दुल्ला या जो भी लोग मुझे आंसर कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो तकरीबन हर कोर्स में ही हो रही है, ऑटोमेटा में ऐसा क्या है? लिंग्विस्टिक का पता है ना आपको, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज की एक फील्ड है, जिस तरीके से साइंस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो लैंग्वेज के जितने भी मामलात होते हैं वो लिंग्विस्टिक के अंदर होते हैं। तो देखें यहाँ आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपकी समझ में तो जब ही आएगा जब आप इसको कोर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप आसान अल्फाज में बात करें तो इस कोर्स में आप लैंग्वेज से रिलेटेड मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं, और लैंग्वेज में छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत किसी भी चीज़ की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, तो अगर मैं एक बता रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है दूसरी डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं एक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दूसरी डेफिनेशन गलत हो गई। हम लैंग्वेज के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम लैंग्वेज के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूं और मैं कहूं कि बताइए इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नाउन्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूं और आपसे कहूं कि मुझे बताइए इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नाउन्स हैं। तो अगेन अगर आपसे ये कहा जाए तो क्या आप इसके लिए कोई कोड लिख सकते हैं? चलिए और आसान कर देते हैं सवाल को, और आसान कर देते हैं। आपको एक कोड, एक डॉक्यूमेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो तमाम वर्ड्स ढूंढ के लाने हैं कि जिनके अंदर दो दफा स्मॉल ए आता है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे कितने वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट अच्छा खासा बड़ा है, 2-3-4 पेज का है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके अंदर स्मॉल ए आता है, तो आपकी लॉजिक क्या होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? मेरा सवाल सबकी समझ में आ गया? एक डॉक्यूमेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे कितने वर्ड्स हैं कि जिनके अंदर दो दफा स्मॉल ए आता है, साथ नहीं कह रहा, अलग अलग नहीं कह रहा, कहीं पर भी आता है दो दफा स्मॉल ए आता है जिस वर्ड्स के अंदर। जैसे मेरा नाम तो खैर उस्मान है, उस्मान में दो दफा ए आ रहा है, फर्ज कर लें ए दफा, दो दफा आ रहा है एम के बाद, तो ये एक वर्ड हो गया। अब एक नाम हो सकता है आमना,
आमना एक नाम हो सकता है, लेकिन शुरू में ए आ रहा है, आखिर में ए आ रहा है। तो नाम जरूरी नहीं है कोई भी ऐसे वर्ड कि जिनमें दो दफा ए आता हो, कहीं पर भी ए आता हो, चाहे शुरू में आता हो, चाहे आखिर में आता हो, चाहे एक साथ आता हो, चाहे अलग अलग आता हो, तो आपकी लॉजिक क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूँ, एक जर्नल बात कर रहा हूँ, एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया, आपसे लॉजिक पूछी जा रही है, तो आपकी लॉजिक क्या होगी? ये कह रहे हैं एस की नंबर से सर्च हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है, एस की नंबर से सर्च हो सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा आपका? तमाम वर्ड्स को आप अलग करेंगे, रीड करेंगे और तमाम वर्ड्स को आप अलग करेंगे, ऐसा ही ना, आप स्पेसिंग से अलग करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं, ये हम बाद की बात करेंगे वसीम, कि भाई जो आपने बात की ना, स्पेसिंग से अलग करने हैं, कैसे करने हैं, हम बाद में बात करेंगे कि स्पेसिंग से अलग हो सकता है नहीं हो सकता। अगर एक सेंटेंस खत्म होता है तो उसके बाद डॉट आ जाता है, तो ये तमाम चीजें तो बाद में रन टाइम पे इशू देखते हैं। अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे है? कि वर्ड्स अलग हो गए। अब आप बोल रहे हैं कि तमाम वर्ड्स के अंदर सर हम ये देखेंगे स्मॉल ए है या नहीं। दो तरीके हो सकते हैं, आप बोलें सर इसके लिए तो हमें डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ही है ना, इसके लिए तो हमें डेटाबेस की भी जरूरत नहीं है। क्या इसके लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा? ये डायरेक्ट काम हो जाएगा, इसके लिए हमें डेटाबेस तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा कि हम हर वर्ड को रीड करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, और उसमें दो दफा ए देखेंगे, और अगर होंगे तो हम कह देंगे ये हमारा टारगेटेड है, और अगर ये नहीं है तो नहीं है। इसमें हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम पे, एक दूसरी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहें कि एक डॉक्यूमेंट है, पहले बताइए कि मेरी पहले वाली बात सबकी समझ में आ गई? मैं आपको ऑटोमेटा की तरफ लेके जा रहा हूं, मैं आप सबको ऑटोमेटा की तरफ लेके जा रहा हूं, और कीप पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। अगर आपका नाम या चैट में शो होता रहेगा तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आपका नाम चैट में शो नहीं होगा, इसका लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने नाउन्स सर्च करने हैं। क्या सर्च करने हैं? नाउन्स। अगेन वर्ड्स अलग कर दिए, अब लॉजिक बता सकते हैं आप? अब लॉजिक बता सकते हैं आप? क्यों भाई, नाउन का डेटाबेस उठाएंगे। अब नाउन का डेटाबेस जो अब्दुल्ला, ये सुनना चाह रहा था मैं, नाउन के डेटाबेस में कितने नाउन हैं? दुनिया में कितने नाउन हैं? इनफाइनाइट। दुनिया में कितने नाउन हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब है प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका मतलब है प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, हम ये सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर साइंस की तरफ। आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास ले रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पहली क्लास है, टीचर हैं आपको बता रहे हैं कि भाई किसी भी इंटीजर को डिक्लेयर करने का ये तरीका है। क्या तरीका है? टीचर ने आपको बताया कि इंटीजर डिक्लेयर करते हुए, अच्छा ये सवाल मैंने छोड़ दिया अभी नाउन वाला ना, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बस आप मेरी बात गौर से सुन लें। अब टीचर आते हैं बोलते हैं भाई इंटीजर डिक्लेयर करने का ये तरीका है, आपने बोला सर क्या तरीका है, तो उन्होंने बोला कि भाई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। इंटीजर को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, ताकि वो डिपेंड करता है कि अंडरस्कोर है या नहीं है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर और नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना। हाँ ये आगे की बात है ना, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि सर उसके बाद नंबर्स और अल्फाबेट दोनों आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, एंड आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर वी कैन हैव नंबर्स और अल्फाबेट बोथ एज वेल, ऐसा ही है ना। ये चीज तो हमें बता दी टीचर ने, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, स्पेस नहीं आ सकता, ये तमाम चीजें हमारे टीचर ने हमें बता दी। अब हमें एक प्रोग्राम दिया जाता है और हमें इस प्रोग्राम में कहा जाता है कि बताइए इस पूरे कोड के अंदर कितने इंटीजर असाइन हुए हैं, कितने इंटीजर मौजूद हैं, या इंटीजर हटा दें वेरिएबल मौजूद है, कितने वेरिएबल मौजूद है। एक प्रोग्राम दिया जाता है, किसी का कोड हमें दिया गया,
हमें कोड दिया गया और हमसे कहा गया भाई इस कोडिंग के अंदर आप हमें ये बता दीजिए रन टाइम पे, बहुत बड़ा कोड है, बहुत बड़ा कोड है, 100 पेजेस का कोड है। हमें कहा गया कि बताइए इस कोड के अंदर कितने वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं वो जरा मुझे बता दीजिए। अब आपने इसका कोड लिखना है, एक प्रोग्रामिंग की शीट दी आपको, दी हुई है कोडिंग की, और आपको उसके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोड लिखना है कि वेरिएबल इसके अंदर कितने हैं ये बता दीजिए। तो आपकी लॉजिक क्या होगी सर, फिर आपको डेटाबेस चाहिए होगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टास्क, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता वो तो मैं भी आपको लेके आऊंगा ना उस चीज पे। अभी तो हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, हमें ये तो पता हो कि ऑटोमेटा पढ़ क्यों रहे। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो मोटिवेशन बढ़ जाएगी कि अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं, फिर तो चलो पढ़ ही लेते हैं। एक तो 100 नंबर है उसके लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा ये है कि पढ़ क्यों रहे एग्जैक्टली वो तो पता होना चाहिए। तो अब आपने कहा कि सर डेटाबेस नहीं चाहिए, शामिर कह रहे हैं डेटाबेस नहीं चाहिए, शामिर चले, उसामा कह रहे हैं कि लूप चलाएंगे, अधिक कह रहे हैं लैंग्वेज। असल में ना देखिए, अगर आपकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज है ऑटोमेटा की, उसको इग्नोर कर दें, जो मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से बात करते हैं। मुझे एक डॉक्यूमेंट के अंदर वेरिएबल ढूंढने हैं, वेरिएबल वही हैं जो हमने प्रोग्रामिंग में पढ़े। अब मुझे पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि मैं एक डेटाबेस बना लूं और उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं दुनिया के वो सब लिख दूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि मैंने N1 भी बनाया, N1 भी बनाया, नंबर भी बनाया, एप्पल भी बनाया, मैंगो भी बनाया, ये सारे वेरिएबल्स मैंने स्टूडेंट लाइफ में बनाए, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए सर, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसके जरिए मैं पहचान सकूं। मुजम्मिल, काउंट का वेरिएबल तो बना लेंगे जो काउंट करता रहेगा, बात ये नहीं है, बात ये है कि वेरिएबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। मैं जरा एक चीज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बोर्ड पे, जरा मुझे बताइएगा कि मेरी चीज जो है वो आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ये देखिएगा व्हाइट बोर्ड है, जूम का अपना व्हाइट बोर्ड है, तो मैं उस पर ला रहा हूँ आपको। और फर्ज करें मैंने एक ना कोड के अंदर मुझे ये चीज मिलती है, फर्ज करें मुझे कोड के अंदर ये चीज मिलती है, एप्पल एक जगह लिखा हुआ है, फॉर एक जगह लिखा हुआ, वाइल एक जगह लिखा हुआ, नंबर। अब आप जाहिर सी बात है आपने कोड लिखा हुआ है, उस कोड के हिसाब से आपने सर ये एप्पल जो है मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है सर ये इंटीजर, मतलब ये मुझे क्या लग रहा है, ये मुझे लग रहा है क्या कहते हैं वेरिएबल, ये मुझे लग रहा है वेरिएबल। क्यों सर, ये सर देखें ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ऐसा ही है, और सर देखें इसमें ना कैपिटल लेटर के बाद नंबर वेरिएबल आ रहे हैं और वो नहीं आ रहे, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आ रहे, स्पेस भी नहीं आ रहे। तो सर ये जो है ना ये चीज ये वेरिएबल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है, ऐसा ही है या नहीं है, यस और नो, ये चीज वेरिएबल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है। तो सर ये वेरिएबल है। अब इधर आते हैं सर, ये भी वेरिएबल लग रहा है, समझ गए, लग तो ये भी वेरिएबल रहा है, लग तो ये भी वेरिएबल रहा है। क्या फॉर वेरिएबल की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता, कीवर्ड तो है। नहीं, आप मिक्स ना करें चीजों को, अभी तक आपने कीवर्ड पढ़े ही नहीं, आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहली क्लास में, याद रखा करें जो बात कही है। तो आपको जितनी डेफिनेशन पता है तो आप ये फॉर कह रहे हैं, तो फॉर तो सर क्या है, वेरिएबल है। आप समझ गए ना मेरी बात, इसका मतलब है जो भी चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पैटर्न है, आप जो भी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पैटर्न है, वो पैटर्न फाइंड आउट करके आप चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक होता है सर्च करना, एक होता है सर्च करना, आपके पास डेटाबेस होता है, आप वर्ड उठाते हैं डेटाबेस में जाके सर्च कर लेते हैं। लेकिन जब हो सकता है पॉसिबल, जब डेटाबेस क्या हो, फाइनाइट। मेरी बात समझ में आई आखिरी वाली, आप सर्च कर सकते हैं कब, जब डेटाबेस आपके पास मौजूद हो और फाइनाइट हो। आप कोई नंबर सर्च कर रहे हैं डेटाबेस में सर्च कर लें, आप किसी स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में कर लें, आप किसी आईडी को सर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की आईडी में सर्च कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फाइनाइट स्टूडेंट है, वो 50 लाख हो लेकिन 50 लाख भी फाइनाइट है, 50 करोड़। जब भी मेरे पास कोई नंबर होता है तो वो फाइनाइट होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको सर्च करनी हो, कोई ऐसी चीज जो आपको सर्च करनी हो
और ऐसी जगह पर सर्च करनी है जो इनफाइनाइट हो, समझ गए? कोई ऐसी चीज जो आपको सर्च करनी हो और ऐसी जगह पर सर्च करनी हो जो इनफाइनाइट हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनफैक्ट तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, कोई ऐसी चीज जो आपको सर्च करनी हो और ऐसी जगह पे सर्च करनी हो जो इनफाइनाइट स्पेस हो, तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखें, मैंने फॉर ढूंढने की कोशिश की, सॉरी, मैंने एप्पल ढूंढने की कोशिश की, एप्पल मुझे मिल गया किसके अंदर, वेरिएबल के एरे, कभी ना कभी मिल जाएगा, चाहे 1 लाख नंबर पे मिले, 10 लाख नंबर पे मिले, 1 करोड़ नंबर पे मिले, मुझे एप्पल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन फर्ज कर लें कि एक ऐसी चीज मैं वेरिएबल में ढूंढ रहा हूं जो वेरिएबल का पार्ट ही नहीं है, मतलब फर्ज करें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2, 3, मैं एक ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो वेरिएबल के एरे में मौजूद ही नहीं है, मतलब मैं एक ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो वेरिएबल के एरे में मौजूद ही नहीं है। ये वेरिएबल का एक एरे है, एक वेरिएबल का एरे है, एक वेरिएबल का एरे मौजूद है, इनफाइनाइट है, मैं इसके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चीज, 1, 2, 3, मुझे पता है कि ये चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं मशीन हूं, तो मशीन तो अपने तरीके से काम करती है, तो मशीन तो कहेगी भाई मैं तो ढूंढे जा रहा हूँ। अब ये एरे चल रहा है, देखिएगा, अब ये एरे कंटिन्यू है, ये एरे कंटिन्यू चल रहा है, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आप इसमें सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपको 1, 2, 3 मिल ही नहीं रहा। आपका एल्गोरिथम ये कहता है सर्चिंग का कि आप जब तक आपका एरे खत्म ना हो जाए आप बाहर नहीं आ सकते, तो आपको आंसर देना है नो, लेकिन एरे क्या है, इनफाइनाइट, तो वो सर्च करे जाएगा, करे जाएगा, करे जाएगा, और आपको यस भी नहीं मिलेगा, नो भी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात समझे, ये वाली आखिरी वाली, मैं आपसे कहूँ भाई मार्केट से एक चीज लेके आनी है, इस वाली मार्केट से, आप मार्केट में हर दुकान ढूंढ लें, आपको नहीं मिलेगी, आप आके बोलेंगे सर ये चीज इस मार्केट में मौजूद नहीं है, और अगर होगी तो आप आके बोल देंगे सर यस, वापस आएंगे बोल देंगे नो, लेकिन मैंने आपसे मार्केट ऐसी बोली है जो इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, लेकिन सपोज कर लें कि मैंने मैंने कहा दुनिया में कहीं से भी ढूंढ के ला, और दुनिया तो बढ़े जा रही है, ठीक है, आबादी बढ़ रही है और चीजें आगे की तरफ बढ़ रही है, रिहाइश बढ़ रही है लोगों की, ये वो, तो अब आप वापस ही नहीं आ रहे, और मुझे तो आंसर चाहिए क्योंकि मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरी बात समझ गए? तो क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपको इनफाइनाइट स्पेस के अंदर, इनफाइनाइट स्पेस के अंदर कोई चीज ढूंढनी है, अगर मौजूद है तो यस आ जाए, और अगर मौजूद नहीं है तो नो आ जाए, अगर मौजूद है तो यस आ जाए, मौजूद है तो नो आ जाए। तो इनफाइनाइट स्पेस के अंदर जब कोई चीज सर्च करनी होती है तो उसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है लैंग्वेज में, वो कहलाता है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। वो दिखता कैसे है बाद में बात करेंगे, अभी शरीर में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। इनफाइनाइट स्पेस के लिए कोई फाइनाइट टाइप की चीज है, वो कहलाती है फाइनाइट ऑटोमेटा। एक मशीन बनाते हैं, मशीन क्या होती है, डायग्राम होती है, उसको मशीन कह रहे हैं हम, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इनफाइनाइट स्पेस के लिए हम कोई एक फाइनाइट टाइप की चीज बना देते हैं जो कि हमें बता देती है कि ये चीज इससे बिलोंग करती है नहीं करती है। मेंबरशिप की बात हो रही होती है, हमें इससे कंसर्न नहीं होता बेटा कि मुझे आप वो चीज मार्केट से 50 घंटे में ढूंढ के लाके दे रहे हैं या 3 साल में ढूंढ के लाके दे रहे हैं, मुझे सिर्फ कंसर्न ये होता है कि आप वापस आके बोलें यस या नो, क्या उस्मान खान इस क्लास का स्टूडेंट है, जवाब चाहिए यस या नो, और कुछ नहीं चाहिए। ये जवाब नहीं चाहिए कि कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, ये जवाब नहीं चाहिए कि सुबह कितने बजे आया था दोपहर, मुझे सिर्फ जवाब क्या चाहिए, यस या नो, बस। अगर आपने मुझे यस आंसर कर दिया तो इसका मतलब है वो इससे बिलोंग करता है, अगर आपने मुझे नो आंसर कर दिया तो इसका मतलब वो इससे बिलोंग नहीं करता। अब आ जाए वापस, एप्पल वेरिएबल के एरे से बिलोंग करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा यस, कैसे कहेगा बात की बात है, एप्पल फाइनाइट और वेरिएबल के एरे से बिलोंग करता है तो फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा यस, फॉर वेरिएबल के एरे से बिलोंग करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा नो, वो हम बताएंगे कैसे कहेगा नो, नंबर जो है वो वेरिएबल के एरे से बिलोंग करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा यस, व्हाइल जो है बिलोंग करता है नो, 1, 2, 3 बिलोंग करता है नो, लेकिन अगर आप लीनियर सर्च करते रहेंगे तो लीनियर सर्च आपको आंसर लाके नहीं देगा। इट्स नॉट अबाउट इंडेक्सिंग, इंडेक्स से कंसर्न नहीं होता हमारा, हमें सिर्फ आंसर क्या चाहिए होता है बेटा, यस या नो।
आई होप कि मेरा पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। जी सर, तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, ये हमारा पहला टॉपिक है और इसमें तीन तरह के होते हैं। ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम कोर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द कोर्स चल रही होती हैं, कोर्स से रिलेटेड। तो हम अभी ये मीटिंग एंड होगी तो हम इसको जो है डिस्कस करेंगे, जो कोर्स से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं कि कुछ लैंग्वेजेस क्या होती हैं इसमें, इसमें अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चार ही चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम लैंग्वेज से रिलेटेड बात करेंगे, और लैंग्वेज इज नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी थिंग जिसमें कोई ना कोई पैटर्न मौजूद हो। मैंने कहा कि हमारी क्लास के वो तमाम स्टूडेंट जिनके नाम में दो दफा ए आता है, ये एक लैंग्वेज हो गई। हमारी क्लास के वो तमाम स्टूडेंट जिनके नाम में दो दफा ए आता है, हमारी क्लास के वो तमाम स्टूडेंट जिनके नाम में दो दफा ए आता है, ये एक लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई पैटर्न, उस पैटर्न के बिहाव पे कुछ लोग या बहुत सारे लोग उस ग्रुप में आ जाएं और काफी सारे लोग उस ग्रुप से निकल जाएं। तो एक लैंग्वेज क्या हो गई, वेरिएबल की लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या हो गई, कीवर्ड्स की लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या हो गई, नाउन्स की लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्या हो गई, वो तमाम नाम जो वॉवल से स्टार्ट होके वोवल पे एंड होते, वो तमाम नाम जो वॉवल से स्टार्ट होके वॉवल्स पे ही एंड होते हैं, ये भी एक लैंग्वेज हो गई। तो लैंग्वेज कैन बी एनी पैटर्न, आपने बस वो ढूंढना है। लेकिन दुनिया में ना पैटर्न पे ही काम हो रहा है, मेरे बोलने का भी एक अंदाज है, उसमें भी एक पैटर्न छुपा हुआ है, मेरे चलने के अंदाज में भी पैटर्न है, मेरे लिखने के अंदाज में पैटर्न है, मेरे हैंड राइटिंग में भी पैटर्न है। आप जब मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या किसी और फील्ड में आप हैंड रिकग्निशन पे काम करते हैं, तो कैसे हो सकता है हैंड राइटिंग पे काम, क्योंकि हैंड राइटिंग में भी एक पैटर्न होता है। मैं ए हमेशा एक ही तरीके से बनाता हूँ, मैं बी हमेशा एक ही तरीके से बनाता हूँ, मैं सी के बाद स्पेस देता हूँ नहीं देता, ये पैटर्न फाइंड आउट करना होता है आपको दुनिया में हर काम में। मैं आपको कैसे पहचान लेता हूँ, आपके फेस पे एक पैटर्न है जो कि मैंने फिक्स कर लिया अपने दिमाग में। मैं आपके बोलने से भी पहचान सकता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं, जैसे आप मुझे पहचान लेंगे मेरी आवाज़ सुन के, मेरे बोलने के अंदाज में भी एक पैटर्न है, अनटिल और अनलेस मैं अपनी आवाज़ चेंज करके ना बोलूँ। आप समझ रहे हैं, तो इसी तरीके से ऑटोमेटा के अंदर भी हर लैंग्वेज के अंदर एक पैटर्न होगा, ऑटोमेटा के अंदर भी हर लैंग्वेज के अंदर एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न हमें गिवन होता है और हम उस पैटर्न के लिए क्या करते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। हम उस पैटर्न के लिए क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। हम यहाँ पर जो लैंग्वेजेस कंसिडर करते हैं वो इसी तरह की लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो ए आ जाए या ए के शुरू में आ गया, ए के आखिर में आ गया, या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आई बिलीव कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है इससे मुतालिक तो बता दीजिए, मिड टर्म में क्या आता है, एग्जाम में मार्क्स कितने होते हैं, असाइनमेंट कितने हैं, क्विज कितने हैं, प्रोजेक्ट कितने, ये सब बात की बात है, ठीक है। अभी जो सवालात हैं वो अभी किस नहीं मुतालिक हैं कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, उस डायग्राम के अंदर आपके टॉपिक्स होंगे इस कोर्स के, तो वो डायग्राम जब आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो काफ़ी डिटेल कोर्स है, नहीं हम लैंग्वेज को लैंग्वेज का ही नाम देंगे मुजम्मिल। यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, इस कोर्स में लैंग्वेज का मतलब वो एरे है कि जिसके अंदर कोई पैटर्न छुपा हुआ, और मैं भी बताऊंगा आपको मुजम्मिल, मैं भी बताऊंगा आपको। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, ये समझ लें कि कोर्स से पहले की बात है, अभी कोर्स हमने स्टार्ट ही नहीं किया, समझ रहे, कोर्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तो ये चीज है कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट को थ्रू आउट प्रॉब्लम रहती है, दो तीन हफ्ते तक, चार हफ्ते तक अगर वो मेरी पहले शुरू की बातें भूल जाए, कभी इनको कोई प्रॉब्लम होती है, कभी वो फंस जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, पढ़ क्यों रहे हैं भाई। नंबर ऑफ नाउन वाली एग्जांपल देखें, नाउन में भी एक पैटर्न होता है, जिस तरीके से वेरिएबल का एक पैटर्न है ना, इसी तरीके से नाउन में भी एक पैटर्न होता है। अब्दुल्ला क्या पैटर्न होता है, कि भाई किसी भी चीज का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, कोई एडजेक्टिव नहीं हो सकता, उसके अलावा जो भी होगा वो नाउन है। हमारे यहाँ के नाउन अलग होते हैं, एब्रॉड ये जो नाउन होते हैं, फॉरेनर्स के जो नाउन होते हैं वो अलग होते हैं, उनके नाम हमारे लिए अजीब से हो रहे होते हैं, लेकिन वो उनके नाउन, तो पैटर्न तो वहाँ भी मौजूद है। किसी भी चीज़ का नाम
नाउन हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना, प्रोनाउन प्रोवर्ब इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो वो नाउन होगा, किसी जगह का नाम हो सकता है। अब दुनिया में जितनी भी जगह है तो फाइनाइट, हमें नहीं पता लेकिन है तो फाइनाइट, 1 करोड़ होंगी। जगह ये भी होती है कि ये वाली गली ये भी एक जगह है, जगह जगह है तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो करोड़ों में जगह होंगी लेकिन फाइनाइट नंबर्स हैं। तो हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं काम। मतलब अगर हम चाहें, हमारी जिंदगी का ये आखिरी मकसद हो कि हमें ये डेटा कलेक्ट करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा उसके लिमिट नहीं है। तो हम नाउन वाली एग्जाम्पल तो आपको ऐसे ही कह रहे थे, पर फिर मैं आपसे कहूँ इस एरे के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब आए, तो अब इसके लिए ना आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? वो एक सर्टेन है, बस वो आप डेटाबेस बना लें और उसको सर्च करते रहें, तो उसके लिए अब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की जरूरत नहीं है। आप फाइनाइट ऑटोमेटा से भी कर सकते हैं। देखिए इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, मैं हमेशा ही मिसाल देता हूँ, हमेशा मिसाल देता हूँ, मैं एक पिकनिक पे जा रहा हूँ और हम 4 लोग हैं, तो बताएं मैं कार में जाऊं या मैं हाईएस्ट करूं? नहीं, ज्यादा बेहतर क्या है, कार करनी चाहिए ना हमें। तो मैं एक आसान काम जो आसान तरीके से हो सकता है उसको मुश्किल तरीके से क्यों एग्जीक्यूट करूंगा? मुश्किल इन सेंस के पैसे ज्यादा लगेंगे, मुश्किल इन सेंस के देर में पहुंचूंगा, मुश्किल इन सेंस और मसाइल भी हो सकते हैं। तो आप एक काम जब आसान तरीके से कर सकते हैं तो उसको मुश्किल तरीके से नहीं, हालांकि हाईएस्ट में एग्जीक्यूट हो सकता है काम। तो मैं वही बात कर रहा था कि एक काम जो फाइनाइट ऑटोमेटा के बगैर भी हो सकता है उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा से क्यों करेंगे, देख कहाँ रखेंगे? नहीं बेटा बस स्नैक वगैरह लिए थोड़े बहुत, क्योंकि वापसी में ना हमें एक जगह एहतजाज में बैठना है नुमाइश पे, तो देख तो मसला करेगी वापसी में। If I am not wrong, अगर आप वही अब्दुल्ला हैं तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर आप वही अब्दुल्ला हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे, अगर आप कोई और अब्दुल्ला हैं तो आप मेरी बात नहीं समझे होंगे। बस थैंक यू। ठीक है, तो ये मसाइल हैं। तो देखें अग्नि, चले आपकी बात का जवाब भी दे, तो आपने मजाक में बोला था, लेकिन अगर दे गए तो डेफिनेटली फिर हमें उसके हिसाब से मैनेज करना है, फिर वो काम कार में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर 25 लोगों का प्रोग्राम है तो मैं हाईएस्ट में नहीं आ सकता, मुझे बस करनी पड़ेगी। बात वही आ जाती है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को वहां यूज करें जहां उसका काम है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। सही है, चलेंगे, मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए दोबारा, पूरे 5 मिनट में, न कम न ज्यादा, ठीक है, पूरे 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए।